ghamasan.com में हूँ आपके साथ दीक्षा भारती। आर्टिकल 370 पर बोले राहुल गांधी, सरकार का फैसला संविधान का उल्लंघन है। जी हाँ, आर्टिकल 370 पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि सरकार का ये फैसला संविधान के विरुद्ध है और ये संविधान के उल्लंघन करने के बराबर है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटाने के बाद भारत सरकार के फैसले पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ दी है। मंगलवार को राहुल गांधी ने इस मामले पर ट्वीट किया है और लिखा कि सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के लिए फैसला लिया है वो संविधान का उल्लंघन है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर के एक तरफा टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके लिए संविधान को ताक पर रखकर चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में नहीं डाला जा सकता। देश लोगों से बनता है, न कि जमीन और जमीन से। कार्यशक्तियों का दुरुपयोग हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है। लोकसभा में मंगलवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अनुच्छेद 370 पर सवाल किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा जवाब दिया तो कांग्रेस की बोलती बंद कर दी। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर मामले में कांग्रेस को अपना रुख साफ करना चाहिए। कांग्रेस बताए कि क्या कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र मॉनिटर करें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।